यहाँ के लोग जो हैं वो ग्रीक पीपल कहलाते हैं hey, the main of the story are and Andreas. इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, जिनके नाम हैं और दे आर चिल्ड्रन ऑफ फिफ्टीन हु फॉर कंट्री जो पंद्रह साल के बच्चे हैं और अपनी आजादी के लिए खड़े रहते हैं अपने देश के साथ दे आर ब्रेव एंड करे डो नॉट फील्सिक्वेंस हिम्मतवान है ताकतवर है बहादुर है ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है चिल्ड्रन यूनाइटेड इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एकजुट होके खड़े रहना आजादी के लिए और बहादुरी से आगे बढ़ना इन बच्चों में ये गुण दिखे हैं। इट समवे रिफ्लेक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जैसे भारत के आप सब नव युवक नव युवान लड़के लड़कियां आने वाली कल की पीढ़ी के एकजुट होकर खड़े रहते हैं कोई भी चीज का सामना करने के लिए जैसे कोरोना जैसी चीजों का सामना करने के लिए वैसे ही ये बच्चे थे जो अपने देश की आजादी के लिए खड़े थे निडर हो बिना कोई डर के आइए देखते हैं स्टोरी डिटेल में पेन नेम ऑफ एडिक

एस ए ब्रेंड इट इज वुमेन्स रॉयल नेवी सर्विस पागिट ऑल्सो रोट हिस्टोरिकल नॉवेल एंड आफ्टर विजिट टू चेकोस्लव किया पागिट ट्रांसलेटर चेकिस पोइट्री एंड प्रोस ये जो लेखिका थी वो काफी इंस्पायर होके नेवी वालों से उन्होंने काफी बुक्स लिखी थी हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे थे चेकोसलविका एक हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर्ड जैसी चीजें हुई थी वहाँ की भाषा जो थी चेकिस एंड दे हैड बीन ट्रांसलेटेड द पोयम एंड चैप्टर्स इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल नाउ लेट अस रीड अबाउट द चैप्टर इन शॉर्ट देखते की जो कहानी है उसमें वर्ल्ड वॉर जैसा नाम आया है तो थोड़ा बहुत टेंस माहौल है फ्रीडम के लिए बच्चे लड़ रहे हैं जो इनका नाम यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था अब देखते हैं कि क्या हकीकत थी edith Parketer's short stories include "the purple children", which is about a british occupation of cyprus. a young 18 year old british sentry is on duty one evening and he started from a sleepy state by a local girl above, about 15. he overhears her calling her cat and urges her to return home due to curfew imposed on the town. she insists that she must find her cat, but because it's run away. हर कैट के नॉट बी टोल्ड टू ऑब्जर्व कर्फ्यू अठारह साल का एक युवक है जो पुलिस के ड्रेस में वहां पे यूनिफॉर्म में है शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है एक पंद्रह साल की लड़की है जिसके पास बिल्ली है अब फॉरेन कंट्रीज में लोग ज्यादातर बिल्लियां पालते है। जैसे हैं जैसे हम यहाँ पे पैट डॉग्स तो होते तो हैं लोगों के घर यहाँ पे कैट्स होती हैं अब वो उसके हाथ से छूट के भाग जाती है कैट को तो पता नहीं है कि गांव में कर्फ्यू है अब उस लड़की को अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए उसको गेट से बाहर जाना है लेकिन पुलिस वाले का पहरा है तो वो उसको दे रहा नहीं है वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि मैं अभी जाऊंगी और अभी वापस आ जाऊंगी लेकिन उसकी आंखों में पानी है और वो उसको ना बोलता है वो उसको इंसिस्ट करती है लेकिन परमिट करता होता नहीं है द गर्ल प्लीज विद्री Certain she can find her cat if he will just let her let through the gate. He is aware that she is close to tears and considers his orders, thinking that he must treat the natives politely, especially as the locals blandly showed their hatred. He decides this this wave could not be possibly pose a threat, and although he doesn't intend to, he opens the gate and let her let her through staying close to her turning his back on the gate he is supposed to be protecting he follows her when he sees the cat he is relieved but it takes a further 10 minutes before they can corner it and catch it she thanks him and almost immediately the girl realizes purpose this to story as you are going jumps to get down a note of the this chapter board, and, he and the girl run away leaving the sentry boy in the country and a common shun अराउंड चिल्ड्रन the the their own शहर में इतना ज्यादा कर्फ्यू था लेकिन फिर भी मन में एक आग लगी थी आजादी के लिए ये आग जो थी वो दो अलग अलग पीपल्स के बीच में थी अब जो बॉय है उस गर्ल को जाने देता है क्योंकि वो दोनों जो बॉय और गर्ल है वो मेन रोल प्ले करते होते हैं एक फर्स्ट पार्टी का बंदा है दूसरा उसकी अपोजिशन पार्टी का बंदा है एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान है लेकिन वो रहते तो भारत माता के ऊपर ही हैं हम सब धरती के पुत्र ही हैं रहते तो पाकिस्तान वाले भी धरती पे है हिंदुस्तान वाले भी धरती पे है तो आज जो जो लड़ाई थी वो धरती की थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं थी और उन्होंने अपनी जमीन को बचा दिया कैसे जानना चाहोगे यस अब वो उसको देखता है कि उसको बिल्ली की इतनी पड़ी है तो सेंट्री बॉय में जो उस ड्यूटी पे था उसको लगता है साला ये तो मतलब थिंग इज लाइक दैट कि यार इतनी प्रेम भावना अगर किसी को जानवर के साथ हो सकती है तो उसको इंसानों के साथ भी होगी अपने देश के साथ भी होगी और अपनी देश की जो धरती है उसके लिए भी होगी और सारे यंगस्टर्स मैदान में आ गए एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगे और जैसे ही उस लड़की को परमिशन मिली, उसने अपनी बिल्ली ढूंढी, अब हुआ ऐसा कि बिल्ली तो मिल गई, उस लड़की ने उसको थैंक्स भी किया, एंड देन शी थॉट अब मुझे भी मेरे देश के लिए so कुछ students, करना है। I hope you heard the story and you have been enjoying the, video. देखते, देखते, the videos. अपने साथ तो उसको देखते-देखते बहुत सारे युवक, youngsters जो 15-20 इयर्स के थे, वो भी बाहर निकल जाते हैं जैसे तैसे करके सिचुएशन सब कंट्रोल में आती है और किसी से फायरिंग हो जाती है फायरिंग होते ही जो फ्लैग फोल्ड था उसको गोली लग जाती है उसकी रस्सी को गोली लग जाती है रस्सी छूट जाती है झंडा ऊपर चढ़ जाता है और वो ब्रिटिश फ्लैग जो है वो लहराता होता है तो ये कहानी थी जिसमें हमने दो चीजें सीखी एक तो प्रेम मातृभूमि का धरती माँ का और दूसरी बात हम जो यंगस्टर्स हैं यू एंड मी ऑल आर यंगस्टर्स वी हैव टू बी यूनाइटेड यूनाइटेड वी आर टूगेदर हम hey सब student, जब एक है, हैं और जब हम साथ हैं, हैं। Animals' ka thank you for today's video. we are going to meet so very always soon. remember unity is strength and fight for the justice as united as possible. this was a story of a purple children which i explained you today. i hope you have been like the story and we are going to meet very soon with the next chapters. till on. goodbye.